नमस्कार, समाधान महाविद्यालय बेमेतरा छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप सभी को समाधान महाविद्यालय का पूरा विस्तृत परिचय कराना चाह रहे हैं। समाधान महाविद्यालय जो 2012 से बेमेतरा ज़िले में बीएड सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ था और आज लगभग इसमें पिछले 8 सालों में 10 सब्जेक्ट इसमें संचालित हैं। यह महाविद्यालय मुख्य रूप से सर्वतोमुखी समाधान शिक्षा संस्कार समिति इसके अंतर्गत संचालित है, इसके मार्गदर्शन में संचालित है। समाधान महाविद्यालय की स्थापना 2012 में मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के प्रणेता श्रद्धेय ए नागराज जी के कर कमलों से हुई थी। भूमि पूजन भी सितंबर 2010 में आदरणीय श्री ए नागराज जी अमरकंटक बाबा जी के कर कमलों से हुई थी। 2012 में बीएड के माध्यम से इस महाविद्यालय की स्थापना किया गया और इस महाविद्यालय का लक्ष्य रखा गया वर्तमान शिक्षा के साथ साथ चेतना विकास मूल्य शिक्षा जीवन विद्या का भी आंशिक प्रयोग इस महाविद्यालय में हो और विद्यार्थियों को अध्यापकों को इसका प्रारंभिक परिचय मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद का चेतना विकास मूल्य शिक्षा का वर्तमान शिक्षा के साथ हो, इस लक्ष्य के साथ रखा गया। और बीएड हमारा 2012 में स्टार्ट हुआ। बीएड के पश्चात इसमें पीजीडीसीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, आईटीआई, कोपा, स्टेनो, इलेक्ट्रिकल, इस तरीके से बीएससी कंप्यूटर साइंस और इस साल बीए, कुल मिला के 10 सब्जेक्ट 10 कोर्स महाविद्यालय में संचालित है। और यह महाविद्यालय पिछले 8 सालों में कुछ छोटे छोटे अचीवमेंट्स भी महाविद्यालय ने प्राप्त किया है, जिसकी चर्चा मैं आपसे जरूर करूँगा। सबसे पहला अचीवमेंट्स तो ये है कि यह महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में संचालित होते हुए भी अपने पढ़ाई को बहुत अच्छा रखा है, जिसके कारण पिछले 8 सालों से बीएड में हम इस पहले पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत संचालित थे, पिछले 4 सालों से हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हम संबद्धता प्राप्त हैं। और यूनिवर्सिटी के ओवरऑल जो रिजल्ट आता है उसमें हमेशा रिजल्ट समाधान महाविद्यालय का बेटर होता है और बीएड में हम पिछले 8 सालों में टॉप 10 में हैं। पिछले 2 सालों से यूनिवर्सिटी के भी टॉप 10 में हमारे कोई ना कोई बच्चे सेलेक्ट होते हैं। पिछले वर्ष के टॉपर बीसीए के यूनिवर्सिटी टॉपर समाधान महाविद्यालय से रही हैं कुमारी सिमरन छाबड़ा जी, और बीएड के 2-2 विद्यार्थी यूनिवर्सिटी के टॉप 10 रिजल्ट में रहे हैं। इस महाविद्यालय में वर्तमान शिक्षा के साथ साथ बच्चों को समाज से जोड़ने के लिए, उनके अंदर कुछ स्वावलंबन के गुण है, इसके लिए भी कुछ प्रयोग किए जाते हैं। तो मुख्य रूप से 4 बड़े वार्षिक प्रयोग महाविद्यालय में किए जाते हैं, जिसमें जो विशेष रूप से बीएड के बच्चों द्वारा वर्ष में एक दिन किसी भी एक गांव का चयन कर उस गांव का पूरा सर्वे करते हैं और सर्वे करके उस गांव में एक मंगल मैत्री कार्यक्रम करते हैं, जिसमें 5 आयाम एक व्यक्ति के जीने का, शिक्षा संस्कार योजना, स्वास्थ्य संयम योजना, उत्पादन योजना, विनिमय योजना, न्याय सुरक्षा योजना, इन सभी योजना के आधार पर सर्वेक्षण करते हैं और गांव वालों के साथ मिल के काम करते हैं उनकी जागरूकता के लिए, शिक्षा संस्कार के लिए, गांव वालों के अवेयरनेस के लिए। इसमें ये प्रतिवर्ष पिछले 8 साल से प्रतिवर्ष एक गांव का चयन करते हैं और यह कार्यक्रम करते हैं। दूसरा कार्यक्रम होता है साल भर के जितने उत्सव हैं उसको एक नए स्वरूप हम देने का प्रयास करते हैं और सब उत्सव बच्चे मिल के सेलिब्रेट करते हैं। रक्षाबंधन का उत्सव हो, होली का उत्सव हो, 14 फरवरी जिसको आजकल लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, उस समय समाधान महाविद्यालय में कृतज्ञता दिवस का आयोजन किया जाता है। इस तरीके के सारे उत्सव को एक सही स्वरूप देने का प्रयास हम सब पूरे प्राध्यापकगण के साथ मिलके कर रहे हैं। तीसरा एक काम जो महाविद्यालय द्वारा किया जाता है, हर वर्ष ब्लड डोनेशन कैंप प्रतिवर्ष महाविद्यालय के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा पिछले 3 सालों से वृहद स्तर पर पौधारोपण का भी कार्यक्रम महाविद्यालय विद्यार्थियों और समाज के विभिन्न समाजसेवी सहयोगसेवी जो संस्थाएं हैं उनके साथ मिलके हम प्रयास कर रहे हैं। ये साल भर का आयोजन है और परीक्षा परिणाम महाविद्यालय का बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा कुछ रेगुलर मासिक कुछ प्रयोग महाविद्यालय में किए जाते हैं, जैसे जिसमें प्रति माह यहाँ के विद्यार्थी ही छात्र प्रतिनिधि बनते हैं, कुछ शिक्षक शिक्षक प्रतिनिधि बनते हैं और वो विद्यार्थी पूरा महीने भर महाविद्यालय की गतिविधियों को ठीक से संचालित करने में सहयोग करते हैं। इस तरह हर महीने
कम से हर एक सब्जेक्ट से, हर एक कोर्स से कोई न कोई विद्यार्थी छात्र प्रतिनिधि बनता है और साल भर की सारी गतिविधियों को ठीक से प्रबंधन करने में उन विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तीसरा काम एक होता है जो मासिक गतिविधियां हैं, ये हमने बताया। फिर प्रतिदिन की गतिविधियां हैं। प्रतिदिन की गतिविधियों में हम विद्यार्थियों का जो सुबह सभी विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना कंपलसरी होता है, प्रार्थना में विद्यार्थी आकर 20 मिनट का प्रार्थना होता है जिसमें विद्यार्थी अलग अलग दिन प्रेरणादायी गीत प्रस्तुत करते हैं, वंदना गीत प्रस्तुत करते हैं, राष्ट्रगान। उसके पश्चात प्रतिदिन विद्यार्थी 5 सामान्य ज्ञान के प्रश्न, 2 मिनट कृतज्ञता का प्रयोग, माता पिता परिवार से लेकर पूरे इस अस्तित्व के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, और प्रतिदिन 1 सप्ताह तक लगातार एक विचार सुविचार चलता है, एक मूल्य चलता है जिसको विद्यार्थी आकर एक्सप्लेन करते हैं। और इसके साथ साथ सबसे एक औषधि प्रतिदिन विद्यार्थी शेयर करते हैं और 2 टीचर आकर इन सूत्रों को व्याख्या करते हैं। इसके साथ फिर विद्यार्थियों का चेतना विकास मूल्य शिक्षा का एक पीरियड लगता है जो विशेष रूप से बीएड के बच्चों के लिए आयोजित होता है और बीच बीच में आईटीआई के बच्चों को भी हम शामिल करते हैं। और साल में चेतना विकास मूल्य शिक्षा जीवन विद्या का एक शिविर विद्यार्थियों और प्राध्यापकों के लिए अनिवार्य रूप से संचालित होता है जिसे मुख्य रूप से बीएड के लिए आयोजन होता है और जो विद्यार्थी स्वेच्छा शामिल होना चाहें वो भी आ सकते हैं। इस तरीके से कुछ गतिविधियाँ होती हैं। साल भर में बाहर से बहुत सारे ट्रेनर आते हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट पे, इंग्लिश में, कम्युनिकेशन स्किल पे, मैनेजमेंट पे, हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आते हैं जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वो भी विद्यार्थियों को अपना मार्गदर्शन देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, महाविद्यालय पिछले 8 साल में अपनी जिम्मेदारियों के साथ अच्छे से लगा हुआ है, उसका परिणाम भी हम सबको दिखाई पड़ रहा है। महाविद्यालयों को समाधान महाविद्यालय को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरिया का अवार्ड तत्कालीन गृह मंत्री के द्वारा 2014 में प्रदान किया गया था और महाविद्यालय की जो बहुत सारी गतिविधियां हैं वो राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पे भी भागीदारी इसकी सराही जाती है। अभी जैसे हमारे आईटीआई है पूरे हिंदुस्तान में 15,500 प्लस आईटीआई है, उसमें से एनसीवीटी दिल्ली ने टॉप 200 आईटीआई का रैंकिंग प्रदान किया जिसमें पूरे हिंदुस्तान के 200 आईटीआई का चयन किया गया जिसमें टॉप 200 आईटीआई में समाधान महाविद्यालय को भी रैंकिंग प्रदान किया गया जिसमें छत्तीसगढ़ के केवल 10 आईटीआई है, उसमें टॉप 10 आईटीआई में समाधान महाविद्यालय आईटीआई का भी नाम है। इस तरीके के महाविद्यालय के कुछ अचीवमेंट हुआ तो मैंने सामान्य परिचय रखा। अब आपसे बातें करता हूँ यूट्यूब चैनल का। ये जो यूट्यूब चैनल हम बनाने जा रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल में हम समाधान महाविद्यालय जो आयोजित होने वाली साल भर की गतिविधियाँ, कुछ प्रमुख आयोजन, मासिक गतिविधियाँ और जो भी विशेष गतिविधियाँ आयोजित होती है उन सब के वीडियो आपको इसमें आपको मिलेंगे। हमारे टीचर्स के द्वारा सब्जेक्ट से जुड़े हुए सभी टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट के टॉपिक के कुछ वीडियो लेक्चर तैयार करेंगे और हर सप्ताह आपको कोई ना कोई वीडियो आपको इसमें मिलता जाएगा जिसके माध्यम से आप अपना ज्ञान अर्जन को बढ़ा सकते हैं। और आपसे निवेदन करूँगा आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।